नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर महानगर पालिका चुनाव हो वार्ड पद्धति से, जय विदर्भ पार्टी ने दिया धरना। युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने किया एनसीपी में प्रवेश, प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में हुई प्रवेश प्रक्रिया। और 35 लाख का लालच देकर 9,38,000 की धोखाधड़ी, क्लेम दिलाने के नाम पर दिया झांसा, धंधौली पुलिस में शिकायत दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई महानगर पालिका छोड़कर राज्य की अन्य पालिकाओं में वार्ड पद्धति से चुनाव कराने का महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के खिलाफ शनिवार को सीताबर्डी में धरना आंदोलन किया गया। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष राम नेवले के नेतृत्व में आयोजित इस आंदोलन में राज्य सरकार के इस निर्णय को लोकतंत्र की हत्या सरीक बताया। नेवले ने कहा कि राजधानी मुंबई में वार्ड पद्धति और उपराजधानी नागपुर में प्रभाग पद्धति से मनपा चुनाव कराए जाने वाले हैं। एक ही राज्य में एक ही तरह के चुनावों को दो अलग अलग कराना लोकतंत्र विरोधी है। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पार्टी की युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश मासूरकर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की हिस्सेदार कांग्रेस पार्टी को दोहरा चेहरा भी सामने आ रहा है। कांग्रेस ने मंत्रिमंडल की बैठक में प्रभाग पद्धति का विरोध नहीं किया। दूसरी ओर अन्य ठिकानों पर कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव पारित करके इस पद्धति का विरोध कर रही है। हमारा कहना है कि आखिर कांग्रेस ये नाटक क्यों कर रही है? मंत्रिमंडल में विरोध क्यों नहीं किया गया? विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारे लगाए गए। इस दौरान अरुण केदार, तात्या साहेब मत्ते, अशोक पाटिल, रेखा निमजे, सुनीता येरणे, ज्योति खांडेकर, शोभा येवले, वीणा भोयर समेत बड़ी संख्या में जय विदर्भ पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला आहे की या आता कॉर्पोरेशनच्या निवडणुका संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होणार आहेत। त्या निवडणुकीमध्ये प्रभाग पद्धतीने सर्व कॉर्पोरेशनच्या निवडणुका होणार आहे। फक्त मुंबई कॉर्पोरेशन मात्र वार्ड पद्धतीने होणार आहे। यालाच नेमकांचा विरोध आहे की एकाच राज्यामध्ये दोन निवडणुकीच्या पद्धती कशा होऊ शकतात? मुंबईला जर वार्ड पद्धत आहे तर मग उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये पार्षदची पद्धत का असावी? याला आमचा विरोध आहे। विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आणि जय विदर्भ पार्टी याला विरोध करते महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आणि मागणी करते आहे की एक वार्ड एक पार्षद अशाच पद्धतीने निवडणुका व्हायला पाहिजे। हेच आवश्यक आहे आणि हेच खरी लोकशाही आहे। कारण पार्षद तुमच्या प्रभागाप्रमाणे जर का निवडणुका घेतल्या तर या ठिकाणी फक्त श्रीमंत पार्ट्या किंवा श्रीमंत लोकच निवडणुका लढू शकतात। या ठिकाणी सामान्य माणूस, सामान्य कार्यकर्ता, आम जनता निवडणूक लढू शकत नाही। आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला निवडणूक लढण्याचा अधिकार असला पाहिजे। त्या पद्धतीची सोपी प्रक्रिया पाहिजे, कमीत कमी पैसे खर्च करणारी प्रक्रिया पाहिजे। परंतु महाराष्ट्र सरकारने जाणूनबुजून तीन पक्षाचं सरकार आहे म्हणून एका प्रभागामध्ये तीन मेंबर असले पाहिजे, तीन पार्षद असले पाहिजे, अशा प्रकारचा निर्णय घेतलेला आहे। हा सारासार अन्याय करणारा निर्णय आहे, हा चुकीचा आहे। एकाच राज्यामध्ये दोन पद्धती असूच शकत नाही आणि म्हणून आमची पुन्हा पुन्हा मागणी आहे। आज त्याच्या संबंधानेच आम्ही या ठिकाणी निदर्शनं करतोय आणि जर का सरकारने मानलं नाही तर आम्ही अजून आमचं आंदोलन अजून तीव्र करू, तसंच आम्ही कोर्टात सुद्धा जाणार आहोत। आज या ठिकाणी आम्ही निदर्शन करून आलो, याच्यानंतर नागपूरमध्ये सुद्धा निदर्शनं करण्यात येणार आहे आणि आम्ही वार्ड पद्धत एक वार्ड एक पार्षद हीच आमची मागणी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल व पूर्व उपमहापौर शेखर सावर बांधे इनकी उपस्थिति में और एनसीपी के शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे इनके नेतृत्व में शनिवार को बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने एनसीपी में प्रवेश किया। इस दौरान पूर्व मंत्री रमेश बंग, पूर्व मंत्री सुबेद मोहिते के अलावा बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। मी काय कोणाचा आपले सगळे मित्र पक्ष आहे म्हणून सरकारमध्ये मी टीका नाही करत, पण जे लोक आम्हाला कमी समजत असेल
त्यांनाही दुसऱ्यांदा काम नये की एका काळात फुटे होते आणि आज फुटे येऊन बसलेले आहेत. आणि आज सत्ता जी तुम्हाला मिळालेली आहे हे फक्त शरद पवारांच्या गुणांमुळे आहे. सत्तेची मान जर कोणाच्या मनामध्ये असेल आम्ही आहोत इथे आहोत आणि ते दाखवू नका आम्हाला. कसे रडू रडू आले होते शरद पवारच्या झाडावर आम्हाला साहेब कसं करून सत्ता मिळवून द्या. आता माझ आली कोणी असा काय समजू नये. आणि आम्हालाही आम्ही काय आहो आम्ही स्वाभिमानी आहो अभिमानी नाही आहो. आम्ही स्वाभिमानी आहो. जर आम्हाला जर दाखवायचं असेल की आम्ही मोठे आहोत आम्ही पण दाखवू शकतो. आम्ही तर सगळ्या बाबतीत आमच्या मोठे आहोत तुमच्यापेक्षा. कोणत्या बाबतीत आम्ही कमी आहोत पण ठीक आहे आम्ही सन्मानपूर्वक हे जर आज सरकार पण टिकली असेल ना तर फक्त शरद पवारांच्यामुळे आहे. हे कोणी समजून नाही ठीक आहे. आपण आहो आपण जिथे कमी आहो आपण ऍक्सेप्ट करतो. आपल्याला इथून पुढे जायचं आहे नवीन प्रवास सुरू करायचा आहे हे पण ठेवावं लागते आणि हिंमत पण ठेवावं लागते. दोन्ही गोष्ट त्यात नम्मी पण कळली होता राजनीती रातोरातरी आपण खरे ऐसा भी नहीं हो. लेकिन अगर हम लोगों ने थोड़ी ठीक से प्लानिंग की थोड़ा सोचे और मैं इसीलिए सभी हमारे जो प्रमुख पदाधिकारी है इन लोगों को सबको मिलकर काम करना चाहिएगा. स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की एक अनोखी तस्वीर आज आपको दिखाते हैं जो देखकर शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह हमारा नागपुर है. नागपुर के पौश कहे जाने वाले रामदास पेट की विचलित करने वाली कुछ तस्वीर आपको बताते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागपुर शहर की क्या वास्तविकता है. स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर ऐसी पहचान रखने वाले नागपुर की एक अलग तस्वीर मैं आज आपको बताऊंगा. और नागपुर के बहुत ही पौश माने जाने वाले रामदास पेट इलाके में हम हैं और ये मुख्य मार्ग है जो हमारे नागपुर को जोड़ता है और ये वो नागपुर की नाग नदी है जिससे नागपुर को पहचाना जाता है. ये दीवार पिछले कई दिनों से मैं कहूँगा कि क्षतिग्रस्त है और कई सारे असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ के जो नागरिक है वो बड़े परेशान हैं. और आप देख सकते हैं हमारे स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की क्या हालत है और यही वो नागरिक है. और सामने आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं लोगों की खिड़कियाँ हैं दरवाजे हैं तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले से परेशान हैं. और ऐसी बात नहीं कि इन लोगों ने कभी नागपुर महानगर पालिका को ये बात संज्ञान में नहीं लाई है. कई बार बताई लेकिन एक्शन जो है वो उस पर नहीं हुआ. क्या प्रतिक्रिया है इनकी वो जानते हैं. क्या तकलीफ है आपको. 5 साल पहले जो नगर सेवक थे उनको हमने ये सब दिखाया था. उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि यहाँ हम गार्डन लगाएंगे ऐसा करेंगे. कुछ भी किया नहीं है 5 साल. वो उसके बाद वो महापौर भी हुए उसके बाद भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया. और हमारी परेशानी जो है वो अभी तक वैसी की वैसी है. कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि ये नाग नदी है नाला है. लोग टॉयलेट के लिए आते होंगे कुछ असामाजिक तत्व आते होंगे और कई सारे लोग जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी तो कचरा भी डालते होंगे. तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता. ये जो अभी आपने जो वॉल दिखाए वो वॉल जो है ती वॉल पड़ून जवळपास 2-3 महीने झालेला आहे. कॉर्पोरेशनला आपण लेटरसुद्धा लिहिलेलं आहे पण त्या याच्यावर अजूनही काही ॲक्शन झालेलं नाही. आणि ही जी भिंत पडली त्याच्यामुळे काय होतं की आजूबाजूचे जे लोक आहे जे फुटपाथवर राहतात किंवा बाजूचे ते इथं आतमध्ये येऊन घाण करतात ते. आणि त्याच्यामुळे काय होते की हे मच्छर आणि हे सगळा घाणेरडा वास इथं उंदरी हे ते सगळे आमची जी बिल्डिंग आहे जवळपास 80 फ्लॅट आहे आणि 200 लोक इथं राहतात. आणि आरोग्याच्या दृष्टीने काय आहे की नेहमी मलेरिया डेंग्यू अशा प्रकारचे जे रोग आहे ते रोग होतात. आणि हे सगळे हे जे हेल्थचा प्रॉब्लेम आहे हे सर्व या नाल्यामुळे होते. तर आमची मागणी अशी आहे की ही जी भिंत आहे ती भिंत कमीत कमी 4 फूट ते 6 फूट एवढी उंच पाहिजे. तेवढी उंच असली तर म्हणजे बाकी जे असामाजिक लोक जे आहे जे लोक घाण करतात आणि बाकीचे ॲक्टिव्हिटी करतात ते लोक येणार नाही आणि इथं घाण करणार नाही. आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं हे काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे. आमची कॉर्पोरेशनला एवढी नम्र विनंती आहे की त्यांनी या कामात लक्ष द्यावे आणि टॉप प्रायोरिटी ते काम करावं हीच आमची इच्छा आहे.
क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि जिसकी वजह से, मैंने पहले ही कहा कि रामदासपेट एक बहुत पॉश इलाका है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, फिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो रही, तो क्या लगता है क्यों उदासीन है इतनी नागपुर महानगर पालिका? मैं रामदासपेट प्लाट ओनर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने कई बार यहाँ पे कंप्लेन भी किए हैं, गडकरी साहब को भी मिले थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि यहाँ पे नाव चला देंगे हम। नाव तो चलाना दूर रहा, ये नाला दुरुस्त नहीं हो रहा है। हर साल JBC आती है कचरा साफ करने के लिए, कचरा क्या साफ करती है, कचरे को दोनों साइड कर देते हैं, बीच में से पानी का प्रवाह खुल जाता है, कचरा कुछ निकलता नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये के बिल बन जाते हैं और वो जैसे का वैसा है। पिछले साल ये JBC अंदर जा नहीं रही थी तो उन्होंने भित्त को तोड़ दिया दीवाल को और JBC को नीचे उतारा। दो तीन साल से दीवार वैसी की वैसी पड़ी है। हमने महापौर को, कॉरपोरेशन को कई लेटर दिए, हमारे सोसाइटी में उनका रिसीव्ड है पूरा, लेकिन ये भिंत अभी तक नहीं बनी। हमारी ऐसी मांगनी है कि ये दीवार को कम से कम 6 फुट ऊँचा किया जाए, क्योंकि लोग इसमें कचरा डालते हैं सवेरे के टाइम पर तो लाइन लग जाती है, टॉयलेट के लिए भी लाइन लग जाती है अंदर। अब क्या बोलें, हम लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे, लेडीज सब लोग रहती है, बड़ा शर्म आती है देखने के लिए। तो ऐसा कम से कम आप लोग सब करें, तो ये कम से कम दीवार को ऊंचा करें जिससे कि कचरा लोग अंदर ना डालें और मच्छर, इससे हैजा वैजा बहुत फैल रहा है। बस ये और क्या कहें हम, यही हमारी मांगनी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जैसे कि सर ने बताया कि सुबह तो यहाँ लाइन लग जाती है, तो आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ हमको, तो ये मतलब इसको दीवार जल्दी बना देनी चाहिए। और दूसरा मेन पर्पज कैनाल का ऐसा है कि जब बारिश बहुत आती है, ओवरफ्लो होता है, तो उन तालाब से पानी छोड़ते हैं और इसमें से आगे चला जाता है। पर ये इसमें तालाब का पानी तो नहीं, पर वो सबके गटरों का पानी इसमें आ रहा है, तो उससे तो इतने प्रॉब्लम होते हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कि उसके गटरों बंद करना, पर कम से कम मतलब क्या यहाँ दीवार खड़ी करके और यहाँ इसके ऊपर कैमरे लगा देना कि भाई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप यू आर अंडर वॉच। तो ऐसा करने से लोग अंदर कचरा डालने को डरेंगे। हम जिसको भी मना करें सवेरे के टाइम पे गंदगी जो करते हैं, झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों से झगड़ा कर भी नहीं सकते, सवेरे गंदगी करने आते हैं, कचरा डालते हैं, हम चौकीदार को भेज के मना करते हैं लेकिन वो मानते ही नहीं, झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। समस्या बहुत गंभीर है, तो ऐसे में भविष्य में जो है आप लोग क्या रुख लेंगे फिर, अगर नहीं ध्यान देती है नागपुर महानगर पालिका? तो ये तो अभी कंप्लेंट पे हमने दिया है, अभी आपके माध्यम से, सबके माध्यम से अगर ये दीवार नहीं बनती है तो फिर हमारे को अभी दूसरे अभी कुछ लीगल रिसोर्स का साथ लेना पड़ेगा आगे में जाके। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और जैसे कि मैंने कहा कि नागपुर स्वच्छ नागपुर और जिसे हम कहते हैं ग्रीन नागपुर जो है कहते हैं, लेकिन इस स्वच्छ नागपुर की ये एक तस्वीर है। शायद नागपुर महानगर पालिका को जो है इसके तरफ अपना ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि रामदासपेट वो इलाका है जो कि नागपुर में सबसे पॉश माना जाता है, और अगर उस पॉश इलाके की अगर ऐसी तस्वीर है तो बाकी पूरा नागपुर कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शेंडे, VKB न्यूज़ के लिए। भारी मात्रा में गैस रिसाव के चलते शनिवार की सुबह चितारओली परिसर में स्थित एक मकान में भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर की दीवारें टूट गई, खिड़की दरवाजे उड़ गए। इस हादसे में एक बच्चे सहित 4 लोग जख्मी हो गए, उनका उपचार जारी है। इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही थी। दमकल विभाग CFO राजेंद्र उचके ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और पता चला कि विस्फोट सिलेंडर में नहीं बल्कि गैस में हुआ था। जख्मियों में गजानन राम बिंड, उर्मिला गजानन बिंड, आरती वामन बिंड और संकेत रविंद्र वानखेड़े का समावेश है। संकेत को मामूली चोट लगी है लेकिन अन्य 3 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। चितारओली परिसर में बिंड परिवार का 2 मंजिला मकान है। तल मंजिल के बाथरूम में उन्होंने गैस गीजर लगाया था। पुराने सिलेंडर की गैस खत्म होने के कारण 2 दिन पहले ही नया सिलेंडर लगाया गया। शुक्रवार की रात भोजन करने के बाद पूरा परिवार सो गया। रात में सिलेंडर से लिक्विड पेट्रोलियम गैस का रिसाव होने लगा। पूरा घर बंद था इसलिए गैस बाहर नहीं निकल पाई। आश्चर्य की बात यह है कि परिवार के किसी सदस्य को भारी मात्रा में गैस रिसाव होने के बावजूद बदबू नहीं आई। शनिवार की सुबह 5:30 बजे के दौरान गजानन की नींद खुली। किचन में जाकर जैसे ही उन्होंने लाइट शुरू की तो जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि दबाव से किचन की 9 इंच की दीवार ढह गई, 3 कमरों के दरवाजे और खिड़की चौखट से टूटकर उड़ गए।
गजानन झुलसने के साथ ही धमाके की वजह से दीवार पर टकरा गए। बगल के कमरे में सो रही उनकी पत्नी उर्मिला और बहू आरती भी बुरी तरह से झुलस गई। संजोग से संकेत को ज्यादा चोट नहीं आई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के मकानों में भी कंपन महसूस की गई। आवाज से लोगों की नींद उड़ गई। सभी अपने घरों से बाहर निकले तो बिंड का घर तहस नहस दिखाई दिया। तुरंत लोगों ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। बिना समय गवाए जख्मियों को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया गया। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। नागरिक ने घर की जांच की तो सिलेंडर जैसा का वैसा पड़ा हुआ था। सिलेंडर में टूट फूट के कोई निशान नहीं होने के कारण ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विस्फोट हुआ कैसे। ऐसे में सुबह 9 बजे के दौरान किसी ने दमकल विभाग को जानकारी दी। चितारोळीतल गजानन बिंडे यांचं घर आहे। सकाळी 5:45 त्यांच्या कुटुंबातील एक सदस्याने काहीतरी स्विच चालू केला आहे आणि त्यावेळी हा ब्लास्ट झाला अशी प्राथमिक माहिती आहे। घरात बरंचसं डॅमेज झालेलं आहे। सुदैवानं कुणी सिरियसली जखमी नाही। 4 लोकांना किरकोळ इजा झालेली आहे। सिरियस कोणी नाही आहे, ठीक आहे। पण प्राथमिक आम्ही तपास चालू आहे। अजून काही निश्चित क्लू मिळालेलं नाही नेमकं काय झालं। अंदाज काय वाटतो? स्विच चालू केल्यावर घटना घडलेली आहे। इलेक्ट्रिक स्विच चालू केल्यावर आम्ही BDDS, डॉग स्क्वॉड, फायर ब्रिगेड ह्या सर्वांची टीम मागून त्यांचाही विचार घेतलेला आहे। आणखी काय आम्हाला निश्चित क्लू मिळालेलं नाही। साइबर ठगों ने बड़े ही शातिर तरीके से एक वृद्ध को अपने जाल में फंसाया। पहले पॉलिसी के नाम पर उनसे 50,000 रुपये लिए गए और फोन बंद कर दिया। बाद में उनके साथ हुई ठगी में 35 लाख रुपये का क्लेम दिलवाने के नाम पर 9,37,000 रुपये का चूना लगा दिया गया। धंतोली पुलिस ने नीलगगन अपार्टमेंट बलराज मार्ग निवासी विलास नारायण राव बेलगमवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों में बजाज फाइनेंस कंपनी के गायकवाड़, सेबी की रिया शर्मा, राजू सिंह, अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रघुवीर सिंह, दयाशंकर वर्मा और राजेश त्रिपाठी का समावेश है। 9 सितंबर 2020 को विलास के मोबाइल पर एक महिला ने कॉल किया। उन्हें बताया कि बजाज फाइनेंस की तरफ से उन्हें 0% ब्याज दर पर 10 लाख रुपये का लोन मंजूर किया जा रहा है। कर्ज लेने के लिए उन्हें पहले कंपनी से 10 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी निकालनी होगी। विलास ने महिला द्वारा बताए गए खाते में 50,000 रुपये जमा करवा दिए। महिला के नंबर पर कॉल करने पर फोन बंद हो गया। लगातार फोन बंद ही था। कुछ समय बाद उन्हें राजू सिंह ने कॉल करके बताया कि वह सेबी का अधिकारी है। कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी के नाम पर ठगे जाने की जानकारी उसे मिली है। उसने कंपनी पर केस करके 70 लाख रुपये का क्लेम दिलाने का झांसा दिया, लेकिन 50% कमीशन वह खुद रखने वाला था। विलास ने उस पर विश्वास कर लिया। आरोपी ने विभिन्न शुल्कों के नाम पर विलास के खाते में रकम जमा करवाई। इसके बाद अलग अलग आरोपी फोन करते रहे और विलास रकम जमा करवाते गए। 9,37,000 रुपये देने के बावजूद उन्हें कोई रकम नहीं मिली। आखिर पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की। पुलिस ने IT एक्ट और धोखाधड़ी सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विद्यापीठ के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र और मार्कशीट बनाकर लोगों को ठगने वाले आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी BM कार्लेकर ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। आरोपी भंडारा निवासी दीनानाथ भीकुलाल नागपुरे बताया गया। दीनानाथ महाराज बाग चौक पर स्थित विद्यापीठ के कार्यालय में उम्मीदवारों के मूल दस्तावेज हटा देता था। उसकी जगह पर फर्जी तरीके से बनाई गई मार्कशीट और प्रमाण पत्र रख देता था। मार्च 1999 में उसका भांडा फूट गया। सीतामढ़ी पुलिस से शिकायत की गई और उसके खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
तत्कालीन पुलिस निरीक्षक आर ए सैयद ने प्रकरण की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। सरकारी वकील एम डी नंदेश्वर आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए। न्यायालय ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में दीनानाथ को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। बतौर पैरवी अधिकारी AASI हरिभाव और हेड कांस्टेबल बाबाराम ने कामकाज संभाला। उत्तर नागपुर के प्रभाग क्रमांक 2 में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनता परेशान है, लेकिन न ही पार्षद और न ही विधायक द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। यही वजह है कि लोगों ने आंदोलन करने के साथ ही जल्द सुधार नहीं होने पर आगामी महानगर पालिका चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उत्तर नागपुर के प्रभाग क्रमांक 2 की समस्या के निराकरण के लिए न ही पालक मंत्री ध्यान दे रहे हैं और न ही नगर सेवक। हाल ये हो गया है कि साप्ताहिक बाजार तक कीचड़ में लगाना पड़ रहा है। सड़क पर मिट्टी के अलावा ना तो गिट्टी है ना ही डामर। नारी रोड के बुधवारी बाजार रोड की हालत बेकार हो गई है। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि महानगर पालिका प्रशासन द्वारा सुधार नहीं किए जाने पर आगामी महानगर पालिका इलेक्शन में वोटिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि वादे तो सब करते हैं पर निभाता कोई नहीं है। इस रोड पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे में हर दिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन सड़क की हालत खराब होने से भाविकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नागरिकों का कहना है कि अभी जनप्रतिनिधि अनदेखी कर रहे हैं, बाद में जनता सबक सिखाएगी। नागपुर के किंग्सवे हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जहां पर ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुए मरीजों ने खुशी मनाते हुए अपने विचार वीकेबी न्यूज से साझा किए। ज्ञात हो कि ब्रेस्ट कैंसर एक जटिल समस्या बन चुका है, जिसे देखते हुए किंग्सवे अस्पताल द्वारा यह अभियान चलाया गया, जिसको 100% कामयाबी मिली है। किंग्सवे हॉस्पिटल की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसकी अवेयरनेस के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपेन चलाया जा रहा है, और सबसे खास बात यह है कि जो सर्वाइवल है उन सभी को बुलाया गया, और इसलिए किंग्सवे हॉस्पिटल की पूरी टीम हमारे साथ है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है सर, तो उसके बारे में क्या बताएं? अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो उस दौरान ही हमने आज 10 अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर मीट करके हमने किंग्सवे हॉस्पिटल में रखा है। तो मैं आपको थोड़ा जो हमारे रिसेंट एडवांसेस है सर्जरी में ब्रेस्ट कैंसर के, वो बताना चाहूँगा और स्क्रीनिंग के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे मतलब ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के 2 टाइप्स है, एक मतलब जिसमें हम पूरा स्तन निकालते हैं, दूसरा जिसमें स्तन बचाने वाली सर्जरी करते हैं। तो जो स्तन बचाने वाली सर्जरी है उसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जितना ट्यूमर है प्राइमरी ट्यूमर जो ब्रेस्ट में है, उसको हम 1 से 2 सेंटीमीटर चारों तरफ नॉर्मल टिश्यू का परदी लेके वो प्राइमरी ट्यूमर जो ब्रेस्ट में वो गांठ निकालते हैं। और बगल वाली गांठ के लिए हमारे हॉस्पिटल में फ्लूरोसेंस बेस्ड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते, जो मतलब अभी हमारे यहाँ पे चालू हुआ है। उसमें हम क्या करते हैं, जो ICG है वो इंजेक्ट करते हैं 12 o'clock और 9 o'clock पोजीशन पे निपल के अराउंड, और 5 मिनट्स में वो हम लिम्फेटिक स्ट्रेस करते हैं, और वो जहाँ तक एक्जिला में बगल में जाता है और जहाँ पर स्टाप होता है वो हम गांठ निकाल के जांच के लिए भेजते हैं ऑपरेशन के दौरान। वो अगर गांठ निगेटिव आती है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके वजह से क्या होता है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स पे हाथ पे सूजन आना या पीठ में दर्द या नमनेस रहना या मतलब जैसे बोलते हैं चिट्ठी आने जैसे, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाती है। मतलब एक्सिलरी डिसेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स है वो अपन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी कर से अवॉइड कर सकते हैं। ये हो गया ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी और सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। थोड़ा मैं प्रिवेंशन पे बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो अपने इंडिया में लगभग 50-60% लोग एडवांस स्टेज में आते, स्टेज 3 स्टेज 4 में आते। तो अगर अर्ली डिटेक्शन जैसे स्टेज 1 में डिटेक्ट होता है तो पेशेंट के 90% चांसेस है कि वो पूरी तरह से क्योर हो जाए। तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन पर अपन ने फोकस करना चाहिए। इसके लिए अपन को प्रिवेंशन मतलब क्या है, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए। आहार जो लेते हैं वो अच्छी तरह से मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स भरा हुआ रहना चाहिए, मांसाहार या अधिक वसा वाले पदार्थ नहीं लेना चाहिए। तीसरा है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते। यूजुअली स्क्रीनिंग मतलब क्या है, लक्षण आने के पहले ही अपन जो जाँच करते हैं अपन उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसमें अपन मैमोग्राफी करते, मैमोग्राफी मतलब एक्सरे, ब्रेस्ट के एक्सरे को अपन मैमोग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या है, लगभग 40 के बाद सभी फीमेल्स ने स्क्रीनिंग चालू कर देना चाहिए, या जिनके फैमिली में हिस्ट्री रहती है उन लोगों ने 25 या 30 के बाद स्क्रीनिंग चालू करना है। और मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे ज़्यादा ये बोलना चाहूँगा। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब फीमेल्स ने स्व परीक्षण अपने घर पर ही ब्रेस्ट का महीने में एक बार परीक्षण करते रहना चाहिए।
तो इससे क्या होता है, वो हर महीने अपना ब्रेस्ट का परीक्षण करती है, तो उनको अपने ब्रेस्ट का पूरा क्या है सब पता चल जाता है, मतलब कैसा है उनका ब्रेस्ट, टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी है, कुछ गांठ है या नहीं। तो हर महीने में देखने से क्या होता है, कभी असामान्य अगर कुछ लगा तो उनको ध्यान में आ जाता है कि ब्रेस्ट में गांठ है या स्किन चेंजेस है या निपल में झुकाव है, तो ये सारी चीज़ें उनको तुरंत ध्यान में आती है और वो अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इससे अपन कैंसर को अर्ली स्टेज या फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, इससे पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो सकता है। तो मैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी ज़्यादा भर देना चाहूँगा। थैंक यू। बहुत सही बात कही सर ने कि सेल्फ जो है वो खुद करना चाहिए, मतलब खुद ही खुद का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि टीम है हमारे, सर आपका नाम? मैं डॉक्टर सौरभ प्रसाद हूँ, मैं किंग्सवे हॉस्पिटल का सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मेरा मेन काम कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपीज और हार्मोनल थेरेपीज देने का है। जैसा कि ये महीना आपको पता है, ये अक्टूबर मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, और आज हमने अपने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स को यहाँ सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है, क्योंकि उन्होंने ये ट्रीटमेंट के थ्रू गुजर चुके हैं और उनको ये सेकेंड लाइफ मिली है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कीमोथेरेपी और ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में काफ़ी एडवांसमेंट हुई हैं पिछले कई सालों में। अर्ली ब्रेस्ट डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम जल्दी ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1-2 में डिटेक्ट करते हैं तो उनका क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी भी काफ़ी छोटी कर दी गई हैं पहले के मुकाबले और कम साइड इफ़ेक्ट वाली हो गई हैं। उसके अलावा टारगेटेड थेरेपीज़ दी जाती हैं जिससे कि रिज़ल्ट और बेहतर हो पाए। ज़्यादातर पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं, लेकिन इग्नोरेंस के कारण लेट स्टेज में आने वाले पेशेंटों की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं मीडिया के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि सभी महिलाओं को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग जो मेमोग्राफी है सालाना कराना चाहिए। एडवांस स्टेज के लिए भी काफ़ी ट्रीटमेंट एडवांस हो गई हैं जिसमें टारगेटेड टैबलेट्स और हार्मोनल थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं जिससे कि पेशेंट को कीमोथेरेपी ना देना पड़े। इसके अलावा काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं, कई इंटरनेशनल रिसर्चेस हमारे किंग्सवे हॉस्पिटल में भी चल रहे हैं एडवांस स्टेज पेशेंट्स के लिए, जो आने वाली फ्यूचर की एडवांस मेडिसिन के बारे में भी है, तो इनसे हम पेशेंटों के काफ़ी फ़ायदे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है वो रेडियोथेरेपी है, जो जिन पेशेंट को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है उन्हें हम रेडियोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका पूरा इलाज हो पाए और वो पूरी तरह से ठीक हो पाए। और हम सभी जानते हैं कि नागपुर में किंग्सवे हॉस्पिटल जो है एडवांस चीज़ें जो है वही लेकर आता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर समीक्षा दुबे है, मैं भी कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ महिलाओं को आज ये बोलना चाहूँगी कि ये जो पूरा महीना चल रहा है, हम आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो है हम हमारी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर के हिसाब से लोगों के मन में यही धारणाएं होती हैं कि एक बार कैंसर हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता। तो ये सर्वाइवर इवेंट हम इसलिए मनाते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए कि ये ठीक हो सकता है और पूरी तरीके से इससे बाहर आया जा सकता है। कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक जेनेटिक या हेरिडिट्री जिसको हम बोलते हैं कि महिलाओं में पारिवारिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री कोई होती है तो उनकी रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है कैंसर होने की। उसके लिए कई टेस्ट्स होते हैं, एडवांस जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी रिस्क कितनी है, कम है, ज़्यादा है, उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्या जाँच करानी चाहिए आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए, वो सभी हमारे पास उपलब्ध है। तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। महिलाओं में जो झिझक होती है अपना एक स्तन जांच कराने की, स्वयं जो एग्जामिनेशन करना है वो तो अपनी जगह है, डॉक्टर से जो चेकअप कराना है उसके लिए भी अगर किसी महिला को कोई झिझक होती है तो हमारे पास बिल्कुल आके दिखा सकते हैं, हम उसके लिए भी उपलब्ध हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट से रिलेटेड तो आप ज़रूर किंग्स आ सकते हैं। मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर मोना राय, मैं पेन और पैलिएटिव केयर कंसल्टेंट हूँ किंग्सवे हॉस्पिटल में। मैं उस एंड पे हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटी के, जहाँ पे कि पेशेंट्स मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक एंड स्टेज पे आते हैं या जब के कैंसर बहुत बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, उस समय वो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। विशेषतः सिंस हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं,
इसलिए मैं फोकस करूँगी सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी पे। जब ऐसी महिला मेरे पास स्टेज 4 या स्टेज 3 में आती हैं और जहाँ पे उनके सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, तो बहुत दुख होता है मुझे, क्योंकि उनके मन में जो उनके छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर माई सेल्फ, जब मैं ये देखती हूँ कि वो बच्चे होते हैं और उनका सारा मन, उनका सारा दिल उन बच्चों में लगा होता है, और वो जान रही होती है कि उनके पास समय की कमी आ गई है। यहाँ तक कि मुझे उनको ये सजेशंस भी देने पड़ते हैं कि आप चिट्ठियाँ लिखिए अपने बच्चों के लिए, जो जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो चिट्ठियाँ पढ़ पाएंगे आपकी, कि आप एज अ मदर उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रही थी उस समय। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू थिंक दैट यू नो, अगर ये जल्दी आ जाती, अगर ये जल्दी डिटेक्शन करवा लेती, अर्ली डिटेक्शन हो जाता, तो ये आज बच पाती। सो इसका ये इम्पैक्ट होता है, पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरा बच्चे अपनी माँ से दूर हो जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली समय की कमी आ जाती है एडवांस स्टेजेस में। सो मैं सारी महिलाओं से और उनके फैमिली से ये अनुरोध करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द स्क्रीनिंग डिटेक्शन ये करें, जिससे कि यू स्टैंड अ वेरी ग्रेट चांसेस सर्वाइवल, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा, जैसे डॉक्टर सौरभ प्रसाद ने भी कहा कि 90% सर्वाइवल हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर, और आज ये इवेंट इसीलिए भी हुआ है कि ये समाज में जाए और फैले, और यहाँ पे जितने हैं मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि सारे लोग आगे 10 लोगों को बताएं और वो 10 लोग आगे 10 लोगों को बताएं, तो इससे एक एक्सपोनेंशियल अवेयरनेस होगा, जिससे कि बहुत सारी जानें बचेंगी और उन माताओं की जो अपने छोटे छोटे बच्चों से जुदा हो जाती हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। तो ये तो था किंग्सवे हॉस्पिटल, और हमने जाना कि ब्रेस्ट कैंसर से अगर बचना है तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है और सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा कैंपेन जो है वो किंग्सवे हॉस्पिटल चला रहा है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शिंडे, वीकेबी न्यूज़ के लिए। त्योहारी सीजन नज़दीक है, आम जनता में उत्साह है और वे खुशी खुशी बाजार पहुंच रहे हैं। घर की महंगाई को कुछ समय भूलकर वे जब बाजार पहुंच रहे हैं तो वहां भी उनका सामना महंगाई डायन से ही हो रहा है। कीमतें सुनकर लोगों के होश भी उड़ रहे हैं, न केवल घरेलू सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, हर कुछ महंगा हो गया है। शॉपिंग के दौरान नाश्ता करना तक अब नगवारा हो रहा है, 20 रुपये प्लेट वाला समोसा, कचौरी, पकौड़ा भी 35 रुपये का हो गया है। ऐसे में शॉपिंग का मजाक किरकिरा होना स्वाभाविक है। पहले 1 लीटर पेट्रोल में सभी बाजार के 100 हो जाते थे, अब एक बाजार में पहुंचने में भी दम निकल जा रहा है। कपड़ों से लेकर जूते तक और कॉस्मेटिक सामान से लेकर घरेलू साज सज्जा के सामान तक 20-40% तक महंगे हो गए हैं। टीवी, फ्रिज और वाहन भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हर शोरूम संचालक बस एक ही बात कहता है, कच्चा माल महंगा हो गया है। कच्चे माल की महंगाई से सभी उत्पाद के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की उफान भरती कीमतों ने हर चीज को महंगा कर दिया है। परिवहन लागत ने हर सामान की कीमतों को बढ़ा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी लगभग 1000 रुपये के करीब पहुंच गई है। इस बीच सब्जियों और दाल की कीमतों में भी तेजी आई है। सरसों के तेल की कीमत 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, टमाटर 60 रुपये किलो पहुंच गया है और चीनी की कीमत में भी तेजी आ रही है। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के सिलेंडर में 15 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है, जो प्रभावी हो गई है। बढ़ोतरी के बाद शहर में सिलेंडर की कीमत 950.51 रुपये पहुंच चुकी है। सब्सिडी भी नहीं आ रही है, जिसके कारण आम से आम लोगों को खाना पकाने के लिए डबल कीमत चुकानी पड़ रही है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।